Yo guys, what's up? This is Jason. मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ. कोई बात नहीं, स्टेप थ्री तक वेट करो, थोड़ा वीडियो देखते रहो, आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सो जो स्टेप वन था बहुत ईजी था, आप भी कर सकते हो, और स्टेप टू में आएगी मेन डिफिकल्टी. मैंने सोचा था एक वीडियो बनाऊंगा DIY, डू इट योरसेल्फ, बट सच बोलूं ये खुद से नहीं हो रहा है, इसके लिए किसी ना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी. जो आपने अभी क्लिप्स देखे, ये हमारे वीडियो का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि जितना आसान हमने सोचा था उतना नहीं था. मैंने सबसे पहले खुद से कोशिश करी थी, मैंने सर्जिकल ब्लेड यूज किया, शोल्डर आयरन यूज किया, बट जो प्लास्टिक था हैंड गार्ड का बहुत स्ट्रांग था, बहुत सॉलिड था, तो उसमें कट नहीं लग रहा था, तो इसीलिए एक प्रोफेशनल की हेल्प ली. तो यहाँ पे जब उसने कटिंग की तो जो प्लास्टिक है थोड़ा सा पिघल के बाहर आ गया, तो अब उसका सही से मेक ओवर करने के लिए बहुत एफर्ट लगे. हमें ब्लेड को यूज करना पड़ा, सैंड पेपर को यूज करना पड़ा, फिर भी जितनी फिनिशिंग मैंने एक्सपेक्ट करी थी उतनी नहीं आई. तो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, बट ऐसा कई बार होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, कुछ चीजें आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो वैसी नहीं होती कई बार. सो अब चलते हैं स्टेप थ्री की तरफ. मुझे ये जो LED पैनल है इसको यहाँ पे फिक्स करना है. So I'll be taking help of this MCL and Elfie. एक बार ये अच्छे से फिक्स हो जाता है उसके बाद इसको बाइक पे री इंस्टॉल करते हैं एंड फिर आपको फाइनल आउटकम दिखाते हैं. एंड वीडियो खत्म होते होते तक मैं आपको बता दूंगा कि मेरे कितने एफर्ट लगे, कितने रुपए लगे, और ऐसा आप भी कर सकते हो. बट डेफिनेटली आप मुझे अच्छा सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे समझ नहीं आया कि कैसे मैं इसके अंदर में एक परफेक्ट स्पेस बना सकूं इस LED पैनल के लिए. तो बने रहिए वीडियो में, आगे चलते हैं. फाइनल होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है, पीछे से मैंने कवर कर दिया है. वायरिंग जो है मैं एक बार फिक्स हो जाए उसके बाद में 3M की टेप से चिपका दूंगा. आप लोगों के पास एक ऑप्शन और हो सकता है कि आप इसके ऊपर में एक अच्छा सा रैप करवा सकते हो. सो बाइक में लाइट्स इंस्टॉल हो गई हैं. अब मैं जा रहा हूँ एक बढ़िया सी लोकेशन पे इसको शूट करने के लिए, सो दैट वीडियो की एंडिंग करी जाए. वीडियो थोड़ा सा आज का शॉर्ट रहेगा, बट गाइस इट वाज ऑल अबाउट दिस DIY. कहीं से अचानक से मुझे आइडिया आया, तो मैंने सोचा यार कुछ अलग सा वीडियो बनाया जाए. अब मुझे नहीं पता ये आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, एक्सपेरिमेंट है मेरी तरफ से. तो सेकेंडली गाइस, आपको याद होगा कि मैंने मंगवाई थी एक LED स्ट्रिप, उसका भी एक बहुत स्पेसिफिक पर्पस है. मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक में मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, किस जगह पे करने वाला हूँ. अगर वो एक्सपेरिमेंट सही रहा तो दैट विल बी अ एपिक वीडियो, एंड मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे, बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे. एंड दैट्स माय पर्पस फॉर मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं चाहता हूँ कुछ सस्ता जुगाड़ किया जाए और कुछ यूनिक सोचा जाए बाइक्स के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत सारे लोग चमकीली सी इधर उधर बाइकों पर लाइट लगवा देते हैं सस्ती सी, तो कई बार थोड़ी छिछोरी लगती है बाइक, बट बाइक को एलिगेंट लगना चाहिए, बाइक को एक डिसेंट लाइटिंग देनी चाहिए. तो उस हिसाब से मेरा जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो भी जल्दी से मैं बनाऊंगा आप सबके लिए.
कैसी लग रही है गाइस, ये मेरी बाइक, मेरी बिजली। अभी वैसे फाइनली नाम नहीं रखा है, बट अभी जैसी लाइटें इसकी जल रही है, मेरा दिल कर रहा है इसको बिजली बुलाऊं। फिलहाल मैंने जो छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है। सो इस चीज़ को बनाने में हार्डली मेरे 500 रुपए लगे होंगे, जस्ट इमेजिन। आउटपुट इज अमेजिंग, बहुत प्रीमियम लग रहा है। जो लोग दूर से देखेंगे उनको बहुत बढ़िया लगेगा। एक चीज़ और अच्छी है कि इसकी जो डायरेक्ट लाइट है आँखों में नहीं पड़ती है, ये नीचे को फेस कर रही है, तो इसमें पब्लिक को भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली गाइज, अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो मेक श्योर यू आर 100% कॉन्फिडेंट, 100% श्योर अबाउट इट, क्योंकि आप वीडियो देखोगे और अपनी बाइक का कोई ना कोई पार्ट खराब कर लोगे। सो दैट इज़ माई एडवाइस। सेकेंडली मैंने एक स्विच लगाया हुआ है इसमें इंडिकेटर का, तो 15 या 20 कॉम्बिनेशन में मैं इस लाइट को जला सकता हूँ। डेमो देखना है, चलो डेमो देखो। That was the DIY for today, guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपने लाइक करना है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और ये ज़रूर से आप घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ 500 रुपये लगा के अपनी बाइक को ऐसे बिजली की तरह चमका सकते हो। इसी नोट पे करते हैं आज का वीडियो क्लोज, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ जेसन, बाय बाय। बाय द वे, जो लाइट्स मैंने मंगवाई थी ये आई थी करोल बाग से बाय हैंड, बट मैं चेकआउट करूंगा कि अगर ऐसे ही कोई लाइट्स ऑनलाइन अवेलेबल है तो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो इस पूरे वीडियो में सिर्फ लाइट्स ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो आपका छोटा मोटा काम है बाइक में वो कोई भी मैकेनिक कर लेगा नियर बाय। आप दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने तो इंडिकेटर के साथ में इस लाइट को कनेक्ट किया है। आप इसको सीधा हेडलाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जैसे ड्यूक में तो DRL ऑन रहती है, तो मैं इसको उसके साथ भी कनेक्ट कर सकता था, बट मैंने थोड़ा सा ड्रामेटिक लुक सोचा तो मैंने इसको इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये बिजली गिरा रही है, आगे वाली गाड़ी पे देखो। फिलहाल मैं यहाँ देख रहा था, मेरे 1,51,000 फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पे, तो यार मुझे अच्छे लग रहे हैं ये फिगर, बट थोड़ा सा बढ़ा दो इसको। अगर अभी आप में से कुछ लोग फॉलो नहीं करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लो, बिकॉज़ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है इस वाले अकाउंट के साथ में कि भाई यूट्यूब पे 8.5 लाख लोग और यहाँ पे 1.5 लाख लोग। तो करो ना यार, थोड़ा प्यार यहाँ भी दिखाओ, इसको फॉलो करो, लिंक आ जाएगा यहीं पर।